में नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि महाराज आगे बताइए ना, इस भागवत की और महिमा क्या है। तो सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद, जो मानव हर तरह का पाप करता रहता है और पाप करते करते ही वो मर गया हो, तो मरने के बाद भी ऐसी पापी आत्मा को भी यदि भागवत कथा श्रवण करा दी जाए तो ऐसी पापी आत्मा भी भागवत श्रवण से मरने के बाद भी मुक्त हो जाती है। ऐसी महिमा है भागवत की। प्यारे सोचो, मरने के बाद प्रेत को भी मुक्त कर सकती है तो फिर हम लोग तो जिंदा हैं भाई, हमें क्यों नहीं करेगी। हाँ, जब प्रेत को भी मुक्त कर सकती है तो हमें क्यों नहीं करेगी। ऐसी अद्भुत इसकी महिमा है। पापी से पापी आत्मा भी मुक्त हो जाती है भागवत से। जिसने हर तरह का पाप कर लिया हो, दुनिया का कोई पाप छोड़ा ना हो, हर तरह का पाप कर लिया हो, ऐसी पापी आत्मा को भी यदि भागवत श्रवण कराई जाए तो मुक्त हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। तब सनत कुमारों ने एक कथा सुनाई गौकर्ण और धुंधकारी की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। गौ माता के गर्भ से एक बालक जन्म लिया था, उसका नाम है गौकर्ण। तो गौकर्ण तो बड़े अच्छे पंडित हैं लेकिन धुंधकारी महाखल है, दुष्ट है। बचपन से बुरी संगति में पड़ा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गलत स्त्रियों का संग करने लगा, यानी पिता का सारा कमाया हुआ धन बर्बाद कर दिया। भागवत ये कहती है, प्यारे बच्चों को धन देने की अपेक्षा धर्म देना चाहिए। लोग इस फिराक में रहते हैं कि इतना कमा करके रख दो कि हमारे बच्चे सात पीढ़ी तक खाएं। हाँ, अरे तुम कमा कर रख रहे हो, क्या भरोसा सात पीढ़ी खाएंगे। वो लायक होगा ना तो वो खुद कमा लेगा, और कहीं नालायक निकल गया तो तुम्हारा कमाया हुआ भी बर्बाद कर देगा वो। इसलिए पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र कुपुत्र हो तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र सुपुत्र हो ना तब भी धन संचय की आवश्यकता नहीं। हां, बच्चों को देना है तो धर्म दे दो, क्योंकि धर्म एक ऐसा है जो तुम्हारे चरणों में तुम्हारे बेटे का सम्मान बरकरार रखेगा, उसकी श्रद्धा बरकरार रखेगा। धन से यदि धर्म के विरुद्ध धर्म है, धन है, तो फिर ऐसा धन अधर्म को जन्म देगा। प्यारे, तो आत्मदेव का जो ये पुत्र है, दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र धुंधकारी, पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन पिता ने थोड़ी डांट लगाई तो पिता की ही गर्दन पकड़ लिया, पटक दिया धरती पर, पिता को पग प्रहार किया, बहुत मारा अपने पिता को। आत्मदेव बहुत दुखी हुए, रो रहे थे बैठे हुए बाहर। तब उनके बड़े पुत्र गौकर्ण वहां आए। गौकर्ण से कहा कि तेरे भाई ने आज मुझे बहुत मारा है पुत्र, इससे तो अच्छा होता नहीं संतान रहता मैं। तब गौकर्ण ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश दिया। देहस्तिमान सिरुधिरे भीमतिम तदत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वा। हे पिताजी, धर्म को भजिए। यह हाड़ मांस रुधिर मज्जा से बना हुआ जो पिंड है, इस शरीर को जिसको आप अपना पुत्र और पुत्री मानकर बैठते हैं,
हकीकत में संसार में कोई किसी का पुत्र पुत्री नहीं होता प्यारे, ये सब मोह के फंदे हैं, ध्यान देना। सुनकर आपको उठपटांग लगेगा लेकिन हकीकत यही है, संसार में अपना कोई नहीं होता है प्यारे। जीव आता है अकेला, जाना होता है उसको अकेला। आंख जब तक खुली है ना तब तक दुनिया के तमाम रिश्ते दिखाई देते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, लेकिन आंख बंद होते ही उसी शरीर से सब लोग डरने लग जाते हैं, फिर उस शरीर के पास कोई नहीं आना चाहता। दो दिन तक यदि तुम्हारी बॉडी घर में रही, लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, भूत आ गया है उसमें। हाँ, कौन सा रिश्ता, कौन सा संबंध। इसलिए गोकर्ण ने कहा, पिताजी छोड़िए इस मोह माया को, धर्मम वदस्व, धर्म का मार्ग पकड़िए, क्योंकि वही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा ज्ञान उपदेश दिया कि आधी रात को ही उनको वैराग्य हो गया और घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। अब धुंधली और धुंधकारी दो बचे, धुंधकारी की मां धुंधली और धुंधकारी। एक दिन माता ने भी थोड़ा ही रोकने का प्रयास किया, माता को भी उसने थप्पड़ लगाई, धरती पर पटक करके पग प्रहार किया। माता बहुत दुखी हुई और उसने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधकारी बचा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कोई रोकने वाला न मिला। अब तो पांच वेश्याओं को घर में ही लेकर आ गया और पिता का सारा कमाया गया मेहनत का जो धन था वो सब बर्बाद करने लगा। वेश्याओं को तो धन चाहिए था, जब तक धन मिलता रहा प्रेम का दिखावा करती नहीं, जब धन कम होने लगा प्रेम भी कम होने लगा। तो अब ये धुंधकारी चोरी शुरू किया, छोटी छोटी चोरियां करता था। एक दिन ज्यादा धन कमाने के लिए राजा के यहां चोरी की, तब पांचों विश्याएं डर गईं कि कहीं चोरी करते करते ये पकड़ा गया ना तो इसके साथ हम भी जेल जाएंगे, भी मारे जाएंगे। इसलिए आज पांचों विश्याओं ने योजना बनाई और आधी रात को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर धुंधकारी को ही मौत के घाट उतार दिया। हाथ पग बांध कर उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाल दी, तड़पता रहा लेकिन मरा नहीं। फिर गला दबाकर मारना चाहा तब भी न मरा, तो पांचों विश्याओं ने मिलकर के उसको कुएं में धक्का दे दिया और तड़प तड़प कर बड़ी बेरहमी से धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब अकाल मृत्यु से मरा ना, इसे प्रेत बना। और इधर पांचों विश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। प्रेत की योनि में आया धुंधकारी, और ध्यान देना अकाल मृत्यु से मरने वाला मुक्त नहीं होता है, प्रेत योनि में प्रतीक्षा करनी होती है उसको। इधर गोकर्ण महाराज उनके जो बड़े भाई हैं तीर्थ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में किसी ने उनको समाचार दिया तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। तो गया में गए और अपने भाई के नाम से श्राद्ध किया, तर्पण किया, और फिर कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते करते आज लौटे अपने गांव। शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, सब सो गए थे। सोचा गोकर्ण ने, चलो अपने पिता के घर में ही सोएंगे, किसको परेशान करें। लेकिन पिता का घर तो क्या, वो तो खंडहर हो चुका है। आए जब अंदर, बड़ी बड़ी घास जमी है। सोचा कि चलो रात बीतेगी, सुबह लोगों के पास चले जाएंगे। तो वहां ही अपना आसन बिछा करके विश्राम करने लगे। लेकिन आधी रात होते ही धुंधकारी प्रेत बनकर वहीं रहता है, और आधी रात होते ही भयानक भयानक रूप लेकर गोकर्ण को डराने लगा। कभी घोड़े का रूप लेकर, कभी सिंह का रूप लेकर, कभी भैंसे का रूप लेकर, अलग अलग रूप से सक्रिय निवेश, सक्रिय धस्ती, सक्रिय च महिषो भवत, सक्रिय इंद्र, सक्रिय अग्नि, पुनश्च पुरुषो भवत,
डराने लगा, लेकिन गोकर्ण महाराज डरे नहीं, समझ गए कि कोई बुरी आत्मा है। डांट लगाई, कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है मुझे। तब मनुष्य के रूप में खड़ा हुआ, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और उस पर छोड़ा मंत्रित करके, तब बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुंधकारीति नामतः। बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई दुंधकारी हूं। गोकर्ण महाराज को आश्चर्य हुआ कि दुंधकारी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था ना। तब दुंधकारी ने कहा कि भैया, गया में श्राद्ध करने से जो छोटे मोटे पापी हैं ना वो तर जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े वाले पापी हैं ना, 100 गया श्राद्ध करने से भी उनकी मुक्ति नहीं होती है प्यारे। जो बड़े ऊंचे दर्जी के पापी होते हैं ना, 100 गया श्राद्ध से भी उनकी मुक्ति नहीं होती, आप कोई और उपाय करें। कह करके दुंधकारी वहां से चला गया। अब यहां पूरी रात गोकर्ण महाराज को नींद नहीं आई, सोचते रहे कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है क्या उपाय हो सकता है। सुबह हुई, तुंगभद्रा नदी में स्नान करने गए और भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तब भगवान आदित्य ने हृदय में प्रकाश किया, पुत्र गोकर्ण, 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, यही सोच रहे हो ना, तो सुनो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु। पापी से पापी आत्मा को भी मुक्त करना है तो एक ही उपाय है गोकर्ण, श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण महाराज बड़े खुश हुए और वहीं नदी के तीर पर ही व्यास गद्दी लगाई, सोचा किसको बुलाऊं, चलो मैं ही सुनाऊंगा। और गांव वालों को आमंत्रित करके धुंधकारी को भी बुलाया, और धुंधकारी वहां एक बांस का टुकड़ा पड़ा था 7 गांठ वाला, उसके अंदर छिद्र में प्रवेश किया और पहले दिन की कथा बड़े भाव से उसने सुनी। शाम हुई, कथा विराम हुई, ध्राम की आवाज आई, पता चला उस बांस की एक गांठ टूट गई। ऐसे 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूट गई उस बांस की, और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी वहां प्रकट हुआ और मुक्त कंठ से भागवत की जय जयकार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत जी की परिक्रमा किया और मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत को भी जिसने तार दिया, धन्य कर दिया। और अभी महिमा गान कर ही रहा था, इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और बड़े भाव के साथ उसको लेकर के जाने लगे। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, ओ पार्षदों, ये मेरे भाई को लेकर कहां जा रहे हो। तो पार्षदों ने कहा कि प्रभु, इन्होंने भागवत कथा सुनी है ना, ये मुक्त हो गए हैं, भगवान के धाम से बुलावा आया है इनके लिए। तो गोकर्ण ने कहा, एक बात बताओ, यहां श्रोता तो मेरे बहुत थे, हाँ, और सबने भाव से सुनी है कथा, लेकिन विमान अकेला इसके लिए, ये तो भेद हुआ ना। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज, कथा तो सभी ने सुनी है लेकिन सबके भाव अलग अलग थे, जिस भाव से इसने सुनी है ना, इस भाव से किसी ने नहीं सुनी। कोई इसलिए आया था कि चलो कथा सुनूंगा तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, हाँ, तो उसको पुण्य मिला। कोई इसलिए आता है कि चलो कथा सुनूंगा, मेरी दुकानदारी बढ़िया चलने लग जाएगी, दुकानदारी बढ़िया हो जाती। कोई सोच करके आता है कि मेरे सारे अटके काम कथा के बाद हो सकता है पूर्ण हो जाए, उसको वैसा फल मिल जाता है, क्योंकि कथा तो भाई काम धेनु गाय है, हाँ,
राम कथा कली कामत गाई, कामधेनु गाय, जो सोच कराओगे कथा वही देती है तुम्हें। इसलिए सावधान रहा करो, कुछ गड़बड़ मत सोच लेना, उल्टा सीधा सोच लिया तो फिर वही मिल जाएगा, ध्यान देना। राम कथा काम धेनु है, भागवत कथा काम धेनु। कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित, श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। हर किसी को मोक्ष थोड़ी जाना होता है। हाँ, अब कथा सुनने के लिए बैठे हैं हम, सभी सुनने आए हैं, अब दिल से बताना, सब ये सोचकर थोड़ी आए होगे कि मुक्ति मिल जाए अंतिम दिन तक। हाँ, मान लो 20 तारीख को यहां विमान आकर लग जाए, भगवान के पार्षद आए और आप सभी को कहें कि भैया आप सभी ने भागवत सुनी है, बड़भाग्यशाली हो आप लोग, अब आप सब मुक्त हो रहे हो, चलो भगवान के धाम जाओगे? हाँ, ये गुमसुम हो इसलिए ये अंदाजा लगा सकता हूं मैं, धोखे से भी कोई नहीं कह रहा कि मैं जाऊंगा। और आश्चर्य की बात तो ये कि जजमान महोदय ने भी नहीं कहा। कौन मोक्ष जाना चाहता है? हाँ, एक भाई ने मुझे पूछा था कि बापू सुखदेव ने कथा सुनाई तब विमान आया था तो आजकल क्यों नहीं आता? मैंने कहा इसलिए नहीं आता क्योंकि अब कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थित, श्रवण के भेद से फल में वेद हो जाता है प्यारे। तो अब की बार सबने फिर से कथा रखी और सब लोग मोक्ष की भावना से कथा सुनने के लिए बैठे, और अब की बार ये हुआ कि हजारों विमान भेजे गए और वक्ता श्रोता समेत सभी लोग उन विमानों पर बैठे और सब भगवान के धाम को गए। ये रही भागवत की महिमा प्यारे। श्रीमद् भागवत महापुराण की।